हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में 10 ऐसी शॉर्टकट की जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो आपको ये 10 शॉर्टकट की आनी चाहिए कंप्यूटर में, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में आसान तरीके से और डिटेल में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप देखेंगे अभी हम एक विंडो में हैं। अगर हमें एक न्यू फोल्डर बनाना होता है अपनी विंडो में तो हम किस टाइप से बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, माउस से राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं न्यू में, और न्यू में जाने के बाद हम यहाँ पर फोल्डर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा फोल्डर बन जाता है। तो कुछ इस टाइप से हम डेस्कटॉप में फोल्डर बनाते हैं। अगर यही फोल्डर आपको माई पीसी में बनाना है तो इसमें आप जाएंगे और फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं इस फोल्डर को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक किया और इसे मैंने डिलीट कर लिया। उसके बाद आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका अगर नेम चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है शो मोर ऑप्शन में, इसमें जाएंगे और यहाँ से आप इसका नेम रिमेन कर देंगे, ठीक है, रिनेम यहाँ पर आप कर देंगे। और जो भी आपको नेम देना है तो इजिली आप नेम दे सकते हैं इस फोल्डर का। तो अगर आपको फोल्डर बनाना है अपने डेस्कटॉप में तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एन। इस शॉर्टकट की का जब भी आप यूज करेंगे तो आपकी विंडो में एक न्यू फोल्डर बन जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और एन से। तो कुछ इस टाइप से हम अपनी शॉर्टकट की का यूज करेंगे अपने डेस्कटॉप में। शॉर्टकट नंबर टू, यहाँ पर जो दूसरी शॉर्टकट की है विंडो और वी है। विंडो वी शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर हम वर्ड में चले जाते हैं और वर्ड में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ कॉपी, और फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे कर दिया कॉपी, ठीक है, और इसे भी सिलेक्ट किया और इसे भी मैंने कर दिया कॉपी। तो यहाँ पर मैंने इन तीन पैसेज को सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया है। अगर मुझे इन्हें पेस्ट करना है कहीं पर या लिखना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो और वी शॉर्टकट की का यूज करूंगा। जब भी मैं विंडो और वी शॉर्टकट की का यूज करूंगा तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो भी हमने यहाँ पर कॉपी किया है वो सभी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं विंडो वी शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है उसे अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, विंडो वी शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, उसे सिलेक्ट कर लूंगा। कुछ इस टाइप से हम विंडो वी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि यही डेटा मुझे अगर नोट पैड वगैरह में लिखना है या एक्सेल में लिखना है या किसी में भी लिखना है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके उसमें लिखना है तो हम विंडो वी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही डेटा मुझे नोट पैड में पेस्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नोट पैड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं विंडो वी शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, और उसके बाद यही डेटा मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, वो सारा डेटा हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर कॉपी किया था पैसेज वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं विंडो और वी का। थर्ड शॉर्टकट की विंडो और डी। विंडो और डी का हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बहुत सारे यहाँ पर टैब ओपन किए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए मैंने वर्ड ओपन कर रखा है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए ओपन कर रखा है, नोट पैड ओपन कर रखा है, ठीक है, माई फाइल भी मैं ओपन कर लेता हूँ और क्रोम भी मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है, मैंने ओपन कर ली, मैं इसे बैक कर देता हूँ, इसे भी बैक कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एक एक करके सारी मैंने ओपन कर ली है, ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी ओपन कर लिए। अगर मुझे एक ही बार में क्लोज करना है, अगर मान लीजिए कि आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपके बॉस आ गए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए और आपको दूसरा काम करना चाहिए, ठीक है, उन्हें जल्दी में बुलाया और आप चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पर टैब ओपन किए, विंडो ओपन की है, सॉफ्टवेयर ओपन किए, एक ही बार में अगर आप इन्हें मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो और डी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे। जैसे आप ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमारे जो भी यहाँ पर टैब हमने ओपन किए हैं वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से इस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं अपने पीसी में। शॉर्टकट नंबर फोर, यहाँ पर जो हमारी शॉर्टकट है विंडो और टैब। विंडो और टैब का हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे, हम चाहते हैं हमने कितने टैब हमने ओपन करके ये चेक करना चाहते हैं तो हम विंडो और टैब प्रेस करेंगे। जैसे हम विंडो और टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि जितने भी हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन की है, फाइलें ओपन की है, ठीक है, तो वो सभी हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर मुझे मान लीजिए कि वर्ड में जाना है तो मैं वर्ड में क्लिक करूंगा और वर्ड में इजिली आ जाऊंगा। वर्ड से अगर मुझे जैसे मुझे जाना है
नोटपैड में। तो यहाँ पर मैं फिर से विंडो टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर से नोटपैड सिलेक्ट कर दूंगा। फिर मैं नोटपैड में जाऊंगा, अगर मान लीजिए मुझे फाइल में जाना है तो यहाँ पर से मैं फाइल में चले जाऊंगा। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, विंडो और टैब शॉर्टकट की का। शॉर्टकट की 5। जो पांचवी शॉर्टकट की है हमारी विंडो ई। विंडो ई का हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि हमें अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, ठीक है, माई फाइल में जाना है, तो यहाँ पर हम क्या प्रेस करेंगे, विंडो और ई। जैसे हम विंडो ई शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम माई फाइल में आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अभी मैं वर्ड में हूँ, ठीक है, मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर अपनी माई फाइल में जाके अपने एक फाइल को चेक करना है, ठीक है, फाइल मुझे ढूंढनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा, विंडो और ई शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि ठीक है, जो भी हमें मुझे फाइल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर से मैं इजीली ले सकता हूँ। तो इसका ये बेनिफिट है कि जैसे अगर मैं वर्ड में हूँ, एक्सेल में हूँ, नोटपैड में हूँ या क्रोम में भी हूँ, तो यहाँ पर हम विंडो और ई शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो माई फाइल ओपन हो जाएगी, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं अपने पीसी में। शॉर्टकट की नंबर 6। विंडो और शिफ्ट एस से भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी आप प्रेस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर वर्ड ओपन कर लेता हूँ और मुझे वर्ड में इस पूरे लाइन का, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का एक स्क्रीनशॉट चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करूंगा। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन जो होगी लैपटॉप की वो थोड़ी सी ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर से हम इजिली माउस से ट्रैक कर सकते हैं जितने का भी हमें स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके छोड़ेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है कुछ इस टाइप से। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमने जो भी स्क्रीनशॉट लिया होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं अपने पीसी में। शॉर्टकट नंबर 7, विंडो और सेमी कॉलन। विंडो और सेमी कॉलन का हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि मैं अभी हूँ वर्ड में, ठीक है, मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर इमोजी चाहिए, और इमोजी के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, विंडो और सेमी कॉलन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैं विंडो और सेमी कॉलन जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमें इमोजी देखने को मिल जाएंगे। जो जो हमें इमोजी चाहिए हम इजिली उस इमोजी को ले सकते हैं। यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको इमोजी देखने को मिल जाएंगे और आप जो भी इमोजी लेना चाहते हैं इजिली यहाँ से ले सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, विंडो और सेमी कॉलन का। शॉर्टकट की नंबर 8, विंडो और एल। विंडो और एल का हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं वर्क करते हैं और आप 10 मिनट का रेस्ट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना पीसी या लैपटॉप बंद नहीं करना चाहते हैं और वैसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है उसमें, विंडो और एल प्रेस करेंगे, विंडो और एल से आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा जिससे आप ब्रेक ले सकते हैं और जो भी आपकी फाइलें होगी उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा विंडो और एल। जैसे मैं ये प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर जो मेरी स्क्रीन होगी वो यहाँ पर लॉक हो जाएगी, फिर से मुझे इसे अनब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप करूंगा और ये अनब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया है तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, मेरी जो विंडो में लॉक लगा था मैंने अनलॉक कर लिया है। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, विंडो और एल का। शॉर्टकट की नंबर 9, विंडो कंट्रोल और डी। विंडो और कंट्रोल और डी का हम कैसे यूज करते हैं, अगर हम मल्टीपल विंडो में काम करना चाहते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप में काम करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपके पास एक क्लाइंट आया है, आपका पीसी या लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी मेरी फाइलें हैं वो नहीं देखी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको एक न्यू विंडो दे देंगे, ठीक है, मल्टीपल विंडो दे देंगे, ठीक है, एक विंडो में आप भी काम कर सकते हैं वो भी काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन सेम टाइम पर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो कंट्रोल और डी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा विंडो कंट्रोल और जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम, माई फाइल ये सभी ओपन किए थे, ठीक है, ये फाइल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ इसमें आपको एक फ्रेश विंडो आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आप अपने क्लाइंट को वर्क करने दे सकते हो। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर हमें इसे डिलीट करना है या चेक करना है कि उसने क्या काम किया है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, विंडो और टैब शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारे पास दो विंडो है, एक ये विंडो है, ठीक है, एक ये डेस्कटॉप है, इसमें हमने ये फाइलें ओपन करके है, दूसरी विंडो ये है जिसमें हमने कुछ भी ओपन नहीं करके है।
तो कुछ इस टाइप से हम मल्टीपल विंडो में काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको न्यू विंडो में जाना है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी दो विंडो ओपन करके, तो न्यू विंडो में जानी है, पुरानी विंडो में जानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो और कंट्रोल और राइट की प्रेस करेंगे। जैसे आप राइट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हम पुरानी विंडो में आ जाएंगे, या लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो पुरानी विंडो में आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हम अपनी नई और पुरानी विंडो में आ भी सकते हैं और इसमें काम भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो हमारी न्यू विंडो है, ठीक है, इसमें काम हो चुका है, अगर हमें इसे डिलीट करना है, ठीक है, डेस्कटॉप टू को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे विंडो कंट्रोल और F4। जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो हमारी दो विंडो थी वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी, केवल एक ही विंडो हमें देखने को मिलेगी। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, विंडो कंट्रोल और डी, ठीक है। ये शॉर्टकट की आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं वर्क प्लेस में काम करते हैं और आपके पास क्लाइंट आते रहते हैं और आपका ही पीसी यहाँ पर वो यूज करते हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। शॉर्टकट की नंबर 10, विंडो लेफ्ट की और राइट की। विंडो लेफ्ट की और राइट की का हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि दो हम विंडो में काम करें, ठीक है, मान लीजिए कि आपका डेस्कटॉप है, आप चाहते हैं कि हम एमएस वर्ड में भी काम करें और यहाँ पर हम अपनी फाइल को भी चेक करें, ठीक है, जो भी हमने फाइल देखनी है या फिर उसमें से देख के काम करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप को स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो और राइट की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पर वर्ड में, और वर्ड में जैसे जाएंगे उसके बाद हम विंडो और राइट की प्रेस करेंगे। जैसे हम राइट की प्रेस करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड को हमें जो भी हमें यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है, माई फाइल ओपन करना है, ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप से इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपनी फाइल भी देख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें फाइलें चेक करनी है और इसमें भी काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको साइड में क्रोम ओपन करना है, ठीक है, इस साइड को, तो यहाँ पर आप क्रोम में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस साइड को क्रोम को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर से क्रोम ले लूंगा। जैसे मैं क्रोम ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, विंडो और लेफ्ट की प्रेस करूंगा, लेफ्ट साइड को आपका क्रोम ब्राउजर आ जाएगा, उसमें आप काम कर सकते हैं, जो भी आपको डेटा फाइंड आउट करना है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप राइट साइड में अपना एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना है। अगर आपका काम हो चुका है तो यहाँ से आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए और इसे भी मिनिमाइज कर दीजिए। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, विंडो लेफ्ट की और राइट की का यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।